वही मैंने भी सुना कि जहाँ काफी इस एरिया के अंदर, इस गांव के अंदर ये लास्ट कॉर्न पड़ता है इस रामगढ़ पंचायत का नेचा, तो अस्सर पंचायत है जहाँ ये सुबह कोई 10:30-11 बजे के बीच में ये एक इंसिडेंट हुआ। उससे जहाँ यहाँ पे ये एक पहाड़ी लूज थी, लूज होने के कारण वहाँ से बहुत बड़े बड़े पत्थर नीचे के लिए आए और यहाँ पे 5 फैमिली इस गांव में रहती हैं, 2 फैमिली यहाँ पे और 3 फैमिली नीचे, और काफ़ी इनका नुकसान हुआ है, ज़मीन का, मकानों का। लेकिन उस मालिक का शुक्र है कि किसी का कोई यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल इनको फौरी तौर पे यहाँ से अब इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की वो भी हमने बताया है और एडमिनिस्ट्रेशन ने इन लोगों को कहा है कि इनको थोड़ा इनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इनको कुछ समय के लिए जहाँ नियरेस्ट जो पंचायत घर है असर पंचायत का, वहाँ पे ये 5 फैमिलियों को वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। और जितना भी इनका जहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं, माल मवेशी है और कीमती जो भी सामान है घरों में पड़ा हुआ है, उसको भी ये यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आगे के लिए जो भी मदद होगी, हम एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, जहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बताया, जिला इंतजामिया से भी हम बात करेंगे, ऊपर तक आपकी बात पहुँचाएंगे और आपको इसका पूरा कंपनसेशन जो भी बनेगा वो दिलाएंगे। और तब तक आप अपनी थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखें, क्योंकि अब ये पहाड़ी धीरे धीरे पूरी ऊपर से नीचे आने वाली है। आज तो मैसे इसकी जो थोड़ी सी शुरुआत हुई है, अब जे किसी भी समय ऊपर से ये पहाड़ी छूट तो छूट सकती है। तब तक थोड़ा आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने फैमिली का, अपने माल मवेशियों का, तो थोड़ा सेफ जगह के लिए आप शिफ्ट हो जाओ और जो भी वहाँ पे मदद की ज़रूरत होगी हम जरूर करवाएंगे। इधर देखो, इधर उधर आया ऊपर पत्थर पहाड़ी हुआ ऊपर ऊपर मकान ऊपर भी है, इनका भी डैमेज होता, इनका भी डैमेज होता, वो थले पे पत्थर पड़ गया। ये मकान निके निके शॉट बना रहे, ये कोड भी है देखो, ये गोला आ रहा, ये गोला है, ये पत्थर है, इसमें रखना है, ये जो धोती नहीं है बाकी वाला इधर खड़ा है।